तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो बेटा ये आपका कोई स्फीयर है और इसके पास जो बेटा Q1 है वो आपको दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम इट मीन 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, जो आपका दूसरा बेटा आपको स्फीयर आपको दे रखा है यहाँ पर, उसके ऊपर बेटा कितना चार्ज है Q2 बेटा आपका माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम, मतलब माइनस का 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। ये बेटा दूसरा स्फीयर है। और जो आपका दूसरा स्फीयर है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इनके बीच हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब इनके बीच की बेटा हमको आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और अगर इन दोनों स्फीयर के बीच जो बेटा फोर्स है, जो उनके बीच बेटा कैसा आप फोर्स है बेटा, इनके बीच बेटा फोर्स आपको दे रखा है 0.2 न्यूटन। यहाँ से बेटा हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो उसको करते हैं। इसको आप डायग्राम को बना लीजिएगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, F√1/4π∬Q1Q2/R2। ठीक है, तो हमको R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो R स्क्वायर बेटा यहाँ पर जाएगा, F बेटा आपका नीचे आएगा। यहाँ से बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, R√1/4π∬Q1Q2/F। बेटा क्या आएगा, Q1Q2/F आएगा। ठीक है, तो आपके पास देखो सारी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 9 × 10⁹ इंटू बेटा Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 × 10⁻⁶ इंटू, यहां से बच्चों देखो आपकी Q2 की देखो बेटा वैल्यू कितनी है 0.8 × 10⁻⁶, और बेटा आपका माइनस में चल रहा है, और अपॉन बेटा यहां पर देखो क्या आएगा आपका आपका F आएगा, तो F बेटा कितना है 0.2, बेटा कितना है 0.2। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से बेटा हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 × 0.4 × 0.8 × है ना 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁶ और अपॉन बच्चा यहां पर आएगा आपका 0.2, बेटे क्या आएगा 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये बेटा यहाँ पर आएगा 4, यहाँ बच्चा कितना आएगा 4 है ना। तो जरा इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कितना देखो आपका आएगा 9 × देखो 0.4 को क्या लिख सकते हैं हम 4 × 10⁻⁶ लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे आपका, देखो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ 4 बचा आपका × 10⁻⁹ तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो गया 9 × 36 तो 36 है ना, तो 9 × 4 = 36 बच्चों कितना आएगा, देखो यहाँ पर 9 − 12 कितना होता है −3 और बेटा −1 पहले से यहाँ पर क्या आएगा −4 आ जाएगा। ठीक है बेटा क्या आएगा −4, ये आपका आर स्क्वायर चल रहा है। तो जब हम यहाँ पर आर निकालेंगे तो आर कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पर इसका अंडर रूट हो जाएगा आपका, मतलब 144 × 10⁻⁴, तो 144 का बेटा रूट कितना होता है 12 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है −2 होता है, बेटा कितना होता है 10⁻², तो यहाँ से बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 0.12 मीटर, बेटा कितना आ जाएगा 0.12 मीटर। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो बेटा इसका बी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, मतलब सेकेंड स्पेयर पर कितना फोर्स होगा। तो देखो कॉमन सेंस की बात है इस मार्क का,
देखो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट स्पेयर है ना, ये आपका फर्स्ट स्पेयर है, ये आपका सेकंड स्पेयर है, ये क्यू वन है, ये क्या आपका क्यू टू है। तो देखो फर्स्ट स्पेयर है, सेकंड स्पेयर की तरफ कितना फोर्स लगा है बेटा, एफ इक्वल टू आपका 0.2 न्यूटन। भाई कैसा फोर्स है बेटा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स बेटा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ बेटा क्या होगा, जितना फोर्स बेटा कौन एक्सपीरियंस करेगा आपका क्यू वन फोर्स करेगा, उतना ही फोर्स बेटा कौन एक्सपीरियंस करेगा आपका क्यू टू फोर्स करेगा। मतलब तो ये बेटा फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स मतलब यहाँ पर बेटा क्या होंगे आपके, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक्चुअली क्या होगा, तो जो फोर्स आपका टू वन है, देखो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स टू वन 0.2 न्यूटन। और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा कि जितना फोर्स आपका 2 एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, उतना कौन एक्सपीरियंस करेगा, 1 अलग एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका बेटा आंसर कितना आएगा, 0.2 न्यूटन। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 0.2 न्यूटन। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए।